इसमें सीढ़ियां वगैरह बनी हुई है और थोड़ा आपको सीढ़ियां दिखा देता हूँ कितनी चौड़ी है। पहले मैं आपको छत दिखा देता हूँ यहाँ की लोकेशन। सीढ़ियों में यहाँ पे पूरा टैक्स वगैरह सब लगी हुई है। जी जी बहुत अच्छा बना हुआ है। और थोड़े आपकी लोकेशन देख लेते हैं। ये आपका छत हो गया है, अभी छत अभी थोड़ा बहुत तैयार होना बाकी है। और यहाँ पर का जो आसपास का जो एरिया है बहुत अच्छा लग रहा है। ये सामने मैं आपको बता दूं रावत जी, ये सामने बालूनी स्कूल है, ये सामने वाला। हाँ जी हाँ, सोशल बालूनी स्कूल यहाँ पे ये सामने है जो रेड बिल्डिंग दिख रही है आपको। और यहाँ पर से सामने आप देख सकते हैं मसूरी का जो नजारा है वो बहुत मस्त नजारा है। सामने देखो खुली हुई जगह है और यहाँ पे आसपास ये जो मकाने बन रही है, ये वाली और ये सामने दो तीन ये बन रही है, ये सारे यहाँ पे बन रहे। ऑल हिंद कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे काम चल रहा है और लगातार यहाँ पे बिल्डिंगें बन रही है और लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, उनके हिसाब से भी काम हो रहा है। और कुछ बिल्डिंगें तो यहाँ पे बुक हो चुकी है, कुछ अभी बेचनी बाकी है। तो अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगता है इस तरीके का काम वगैरह देखना पहले पसंद करते हो तो आप ज़रूर हमारे ऑफिस में आइए। ऑल हिंद कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है बंजारा वाला के पास और ये माता मंदिर पड़ते हैं, माता मंदिर से थोड़ा आगे पड़ते हैं वहाँ पे। तो ऑल हिंद कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है और आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम अपना नंबर दे देंगे तो कॉल करके आप हमसे मिल सकते हैं और हम आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और ये हमारे स्टाफ वाले हैं यहाँ पे। नाम क्या है सर आपका? मानिक पवार। और आपका? सारा रावत। और विवेक जी, ये सारे स्टाफ वाले हैं और ये भी हमारे यहाँ पे लगातार मेहनत करने पे लगे हुए हैं और लगातार जो भी कस्टमर आते हैं उनको दिखाते हैं और हर कोई यहाँ पे मेहनत करने पे लगा हुआ है। तो और भी बिल्डिंगें हम देखते हैं और कमरे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हो सुपर वीरू ब्लॉग। दोस्तों अभी जा रहे हैं हम जहाँ पे हमारे प्लॉट बने हैं, उन प्लॉटों को आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहाँ पे नई नई मकानें बन रही हैं, काफी अलग अलग जगहों पे हैं। और वो हम जा रहे हैं संस्कृति लोक कॉलोनी में, हम जा रहे हैं और संस्कृति लोक कॉलोनी में जो मकानें बनी हुई है और वो किस तरीके से बनी हुई है वो सारी चीजें आपको दिखाने वाले हैं। तो ऑल हिंद कंस्ट्रक्शन का वहाँ पे वर्क चल रहा है और कुछ मकान वहाँ पे अभी तैयार हो चुके हैं। तो जो मकान तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से उन चीजों को आपको दिखाऊंगा और साथ ही वहाँ की जो लोकेशन है, किस तरीके की लोकेशन है, वो सारी चीजें आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं अभी संस्कृति लोक कॉलोनी में और दिखा दें आपको सारे मकान। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं यहाँ पे संस्कृति लोक कॉलोनी में और यहाँ पे जो पांच मकाने बन रही है और दोस्तों यहाँ पे हमारे स्टाफ के बंदे भी आए हुए हैं और इनसे थोड़ा यहाँ के रेट वगैरह के बारे में पूछते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से रेट है इन मकानों के, तो सारी चीजें जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अभी चलते हैं उनके पास। नाम क्या है सर आपका? विवेक। हाँ, ये विवेक सर है। अब विवेक सर से थोड़े इनके बारे में पूछते हैं कि यहाँ पे जो मकान बन रही है ना, जो इस साइड में मकाने बन रही है, ये कितने कितने गज में बन रही है? ये ऑल इन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर। जी जी। और ये 80 गज में जो है मकान बन रहे हैं इस समय यहाँ पर, और यहाँ पे पांच मकान ये जी जी इस समय जो है मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन है जी। और बहुत ही प्यारे मकान है, ऐसे तो सभी नवरात्रों में जो है सभी बुक हो चुके, बाकी एक दो मकान जो रहे बचे हुए हैं जी जी उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। सर रेट क्या है सर इनका? 80 गज में बना हुआ है, 2 BHK है जी जी, और 1 hall है विद ऑल ऑन सुविधा इसमें पूरी उपलब्ध है कंपनी की तरफ से। कितने परसेंट तक लोन मिल जाएगा? 90% तक कंपनी जो है अपनी तरफ से लोन करा देती है अगर आपके कागजात वगैरह जो है सभी पूरे हो तो जी जी। और 45 इसकी आस्किंग रखी है अभी कंपनी जी। तो अभी आप दिखा सकते हो इन कमरों को जिस तरीके के कमरे बने हुए हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो कमरे बन रहे हैं जो लगभग थोड़ा बहुत तैयार हो चुके हैं, किसी में काम कुम चल रहा है, वो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। और थोड़ी देर आप यहाँ पे काम कुम चल रहा है, रोड वगैरह कितनी है, सारी चीजें आपको बताएंगे। और यहाँ पे एक मकान ये बनी हुई है और ये, हाँ सर बताइए इन मकानों के बारे में थोड़ा, यहाँ पे काम अच्छा, अभी कंट्रक्ट यहाँ पे काम कुम चल रहा है? ये सबसे पहले स्टार्टिंग में इसमें हॉल दिया है जैसे जी, कहते हैं जैसे गेस्ट रूम जी उस तरीके से, और यहाँ पे अपना एलईडी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, एलईडी वगैरह का पूरा स्टैंड वगैरह सब दिया है। अच्छा। और बहुत अच्छे कमरे बन रहे हैं लेकिन अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे काम कुम चल रहा है। एक रूम आपका ये हो गया, यहाँ पे अभी काम चल रहे हैं, और एक रूम आपका है हमारा जी जी, एक रूम यहाँ पे काम है, इसमें अलमारी वगैरह भी, यहाँ पे अलमारी वगैरह किसी वगैरह सब दी हुई है इसमें जी जी। और यहाँ पे अलमारी वगैरह इस कमरों में बनी हुई है
और काफी अच्छी फैसिलिटी है, थोड़ा बहुत दरवाजे वगैरह यहाँ पे लगने अभी बाकी है। कस्टमर को जी जी विद फर्नीचर अगर चाहिए होता है जी जी, अगर कोई फर्नीचर वगैरह मांगते हैं तो वो भी हम सब लगवा के अरेंजमेंट करवा के दे देते हैं जी जी, मगर उसका जो है एक्स्ट्रा चार्ज होता है। लगभग कितना चार्ज पड़ जाएगा अगर फर्नीचर के साथ चाहिए तो? वो आपके डिमांड के ऊपर निर्भर होता है कि कस्टमर को क्या क्या चीज चाहिए उसमें। और किचन दिखाइए सर, किचन दिखाइए जी जी। पहले आपको मैं यहाँ पे वॉशरूम दिखा देता हूँ। हाँ, ये टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे है, वॉशरूम ये है, ये वॉशरूम है, ये अभी थोड़ा काम चल रहा है, ये इसका दूसरा बेडरूम है। और यहाँ पे रोशनी के लिए ऊपर से खिड़की यहाँ पे निकाली गई है। और ये बेडरूम और है यहाँ पे। अच्छा, ये बेडरूम साइज क्या होगा सर बेडरूम के? ग्यारह बाई बारह की साइज है। और यहाँ पे अलमारी बनी हुई है, इसमें भी है और एक दूसरे कमरे में भी बनी हुई है। तो ये सारे हमारे स्टाफ के हैं, कर्मचारी हैं और सभी यहाँ पे लगन किचन यहाँ का तैयार होने लग रहा है। हाँ, ये किचन तैयार हो रहा है यहाँ पे, चिमनी वगैरह सब लग के पूरा कम्प्लीट हो रहा है जी जी। तो अभी थोड़ा बहुत काम कुम चल रहा है, इसके बाद आपको जब कम्प्लीट हो जाएगा ये काम तो सारी चीजें आपको उसके बाद बता दिया जाएगा। आपकी लोकेशन स्टूडियो में यहाँ पे पूरा टैर्स वगैरह सब लगी हुई है जी जी, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो देखो खुली हुई जगह है और यहाँ पे आसपास ये जो मकाने बन रही है, ये वाली और ये सामने दो तीन ये बन रही है, ये सारे यहाँ पे बन रहे, ऑल हिंद कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे काम चल रहा है। और यहाँ पे जो रोड बनी हुई है 20-22 फुट की यहाँ पे रोड है, और यहाँ पे भी अभी रोड पे भी अभी यहाँ पे काम चल रहा है। आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे काम कुम चल रहा है। और ये 5 बिल्डिंग है ये बनी हुई है, आप देख सकते हो, एक ये है और एक ये है और दो सामने है। तो इस तरीके से यहाँ पे लगातार काम चल रहा है और जैसे ही काम कम्प्लीट होगा वैसे इनको बेच दिया जाएगा। तो बुकिंग अभी से स्टार्ट हो गई है, तो अगर आपको खरीदना है हमने आपको आसपास का पूरा एरिया दिखा दिया है और ये आसपास का भी देख लो, आग जहाँ पे मकाने बनी हुई उसके ठीक सामने किस तरीके की कॉलोनी है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और यहाँ पे अभी ये देख लो ये खाली पड़ी हुई है। दोस्तों मैंने आपको सारी बिल्डिंगें वगैरह दिखा दी किस तरीके से यहाँ पे काम कुम चल रहा है। और यहाँ पे जो आसपास का जो एरिया है लगभग गढ़वाली लोग यहाँ पे रहते हैं और ये बिल्डिंग में थोड़ा ही काम रह गया है, बस 10-15 दिन का काम और बचा हुआ है, इसके बाद ये सारा काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंतज़ार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।